ये बताओ क्या क्या पॉइंट्स था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में, कौन कौन सा पॉइंट लिखा है था हम बताओ। जल्दी जल्दी बोल लो तुम लोग। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, द पार्टिकल्स ऑफ अ हाँ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 nm इन डायमीटर व्हिच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, दे डू नॉट ओके स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, दैट इज दे डोंट शो स्पिंडल इफेक्ट, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड from the mixture by the process of filtration. The solution is stable. Solute particles do not settle down when left undisturbed. चलो तुम लोग को ये बताया था कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो होते हैं उनका साइज बहुत ही छोटा होता है ना, तो इतना छोटा साइज है कि अगर लाइट के पार्टिकल्स उससे पास करोगे, लाइट का बिम अगर पास करोगे तो लाइट के बिम को स्कैटर नहीं करता है, जिसकी वजह से ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही लाइट हम लोग पास करेंगे ना, तो अगर लाइट के पार्टिकल्स अगर स्कैटर हो गए, स्कैटर होने पे जिस पाथ से लाइट जा रहा है ना वो पाथ हमको विजिबल होगा, लेकिन सॉल्यूशन में वैसा नहीं होता है क्योंकि लाइट के पार्टिकल्स जो है वहां पे स्कैटर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए सॉल्यूशन जो है टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन के टर्म में बात कर रहे हैं, मतलब कितना सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं। तुम लोग को पता है कौन कौन सा दो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का, ये बताओ। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हाँ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, किसको सॉल्यूट बोलेंगे किसको सॉल्वेंट बोलेंगे। तो सॉल्यूट को यहाँ पे जनरली हम लोग सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तब सॉल्यूशन बनता है। तो इसके बेसिस पे मतलब कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, उसके बेसिस पे दो टाइप्स के सॉल्यूशन हम लोग बोल सकते हैं। पहला होता है इसमें, ये सुने भी होगे तुम लोग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुने हो ये नाम, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। इसमें सबसे पहला टाइप है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुने हो या नहीं ये बताओ। नहीं सर, क्या नो होता है सर, सच नहीं सुने हो, चलो इसका डेफिनेशन लिख लो। व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात समझ में आया कि किसी भी गिवन टेम्परेचर पे मैक्सिमम जितना अमाउंट सॉल्यूट डिजॉल्व किया जा सकता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उससे ज्यादा अगर सॉल्यूट तुम डालोगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। समझ में आया, क्योंकि हर एक सॉल्यूशन का एक लिमिट होता है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसके अंदर डिजॉल्व हो सकता है। जैसे मान लो 100 ग्राम अगर हम लोग 100 ml वाटर लिए, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन अगर हम लोग बना रहे हैं, तो 100 ml वाटर में क्या होता है ना, एक लिमिटेड अमाउंट होगा, मतलब मैक्सिमम अमाउंट होगा कि उतना ही शुगर उसमें उस टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। जैसे हम लोग रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, तो अगर मान लो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि 100 ml वाटर में मैक्सिमम जो है 20 ग्राम शुगर डिजोल्व हो सकता है मैक्सिमम, अगर तुम 25 ग्राम शुगर ऐड कर दो उसमें तो 20 ग्राम तो डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन 5 ग्राम क्या हो जाएगा, वो नीचे बचा हुआ रह जाएगा, उसको कितना भी तुम मिलाओ वो डिजोल्व नहीं होगा। बात समझ रहे हो, यस और नो? यस यस। तो उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि
सॉल्यूट का मैक्सिमम कैपेसिटी पहुंच चुका है, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी जितना डिसॉल्व होना चाहिए सॉल्यूट उतना डिसॉल्व हो चुका है। अब तुम फर्दर और सॉल्यूट ऐड करोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड का जस्ट उल्टा हो गया कि जिसमें सॉल्यूट जो है वो मैक्सिमम कैपेसिटी तक डिसॉल्व नहीं हुआ है और फर्दर सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो सकता है, तो उसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं व्हेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, तो इसको हम लोग बोलते हैं इट इज कॉल्ड ए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, चलो बात समझ में आ गया, यस और नो? स्क्रीन दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। चलो, तो ये दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, मतलब ये किसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो सकता है, तो इसके बेसिस पे दो टाइप का सॉल्यूशन आ गया, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। अब यहाँ पे एक टर्म हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिबिलिटी की, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सॉल्यूट को हम लोग सॉल्युबल कर रहे हैं सॉल्वेंट में, तो यहाँ पे एक टर्म आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, इसका डेफिनेशन होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। इस नोन एज या इस कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। ठीक है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम लोग एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, उसी को बोला जाता है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और टर्म हम लोग बात करते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्युबिलिटी तो आ गया, यहाँ पे एक और टर्म, सब लिखते जाओ, सिंपल सा चीज है, इसमें कुछ है नहीं, कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टर्म में हमेशा हम लोग एक टर्म यूज करते हैं कंसेंट्रेशन, तो कंसेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि द कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट of solute present in a given amount। अब ये amount देखो either mass के form में भी हो सकता है और volume के term में भी हो सकता है, तो either mass और volume of किसका solution का, तो किसी भी solution में किसी भी सॉल्यूशन का अगर हमको गिवन अमाउंट दिया है तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो उसी को हम लोग जब रेशियो रिप्रेजेंट करते हैं ना उसी को बोला जाता है कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से दो तरीके होते हैं कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करने का। ठीक है, ये पहले लिख लियो तुम लोग डेफिनेशन। हेलो,
थोड़ा सा बच्चा है। ठीक, लिखो जल्दी से। सिंपल सा चीज है ये सब, समझ आ रहा है कि नहीं? एक बार स्टेटमेंट पढ़ोगे समझ आ जाएगा। हेलो, कोई दिक्कत है ये सब चीजों में? कोई डाउट है? नो सर। सर चलो ठीक है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता? सुपर सैचुरेटेड हो गया कि जैसे देखो सैचुरेटेड के बाद सुपर सैचुरेटेड आता है, मतलब जितना मैक्सिमम सॉल्यूट जो है डिसॉल्व हो सकता है किसी भी सॉल्यूशन में, अगर उससे ज्यादा तुम सॉल्यूट डाल दो, जैसे मान लो 100 ml में मैक्सिमम 20 ग्राम ही शुगर डिसॉल्व हो सकता है, 20 ग्राम ही मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है। अगर उसमें तुम 40 ग्राम शुगर ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा या नहीं, ये बताओ। yes, sir. क्योंकि मैक्सिमम 20 ग्राम डिसॉल्व हो सकता है, तो 20 ग्राम तो डिसॉल्व हो जाएगा, बाकी अदर जो 20 ग्राम तुम एक्स्ट्रा ऐड कर दियो, वो 20 ग्राम क्या होगा, उस 100 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो पाएगा क्या? 100 ml वाटर में नहीं हो पाएगा, क्योंकि 100 ml वाटर में मैक्सिमम 20 ग्राम डिसॉल्व हो सकता है, अगर इनकेस हम लोग एज्यूम करें ऐसा। तो बाकी जो एक्स्ट्रा 20 ग्राम हम लोग ऐड किए वो वैसे ही पड़ा रहेगा अनडिसॉल्व। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड, जहां पे कि जितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व होने का है, अगर उससे ज्यादा सॉल्यूट अगर उसमें प्रेजेंट है सॉल्यूशन में तो वो अनडिसॉल्व फॉर्म में रहेगा, और उसी टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग सुपर सैचुरेटेड। ठीक है? यस। चलो लिख लिया इतना, yes, sir. हो गया सबका? यस और नो? यस सर। चलो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कौन कौन से दो मेथड होते हैं, टू मेथड्स ऑफ फाइंडिंग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दो तरीके से हम लोग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं, अभी फिलहाल दो ही तरीका जानो, ठीक है? जब आगे जाओगे 11th क्लास में, हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पे और भी मेथड्स होते हैं, ठीक है? तो अभी सिंपली हम लोग देख रहे हैं दो मेथड, मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है? मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। तो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन अगर बोला गया तो यहाँ मास बाय मास है, तो इसको देखो कैसे हम लोग लिखते हैं, इसका रेशियो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर तुमको मास ऑफ सॉल्यूट लेना है, इसको डिवाइड करना है किससे, मास ऑफ सॉल्यूशन से, और इनटू क्या कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इनटू 100, तो ये जो भी आएगा वो उतना हमारा आंसर हो जाएगा, उतना परसेंट। तो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन अगर तुमसे पूछा जाए क्वेश्चन में, तो मास ऑफ उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100, ठीक है? इसी तरह दूसरा तरीका होता है, सेकंड मेथड जो है ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, अब नीचे जो है ना सॉल्यूट का तो मास ही आएगा ऊपर, लेकिन नीचे क्या आएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है हमको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100, ये जो भी आएगा ये परसेंट। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये वॉल्यूम मास ये सब गिवन रहेगा ना क्वेश्चन में? हाँ ये सब दिया रहेगा क्वेश्चन में। जल्दी से लिख लो फॉर्मूला। ठीक है।
लिख लिए? लिख लिए, यस सर, यस सर। ओके चलो इससे रिलेटेड हम कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है? तो समझ आ गया ना, देखो ये तुमको आइदर दोनों फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मास बाय मास परसेंटेज या फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है? तो इसमें किसी फॉर्म में तुमको दिया रह सकता है, तुमको कैलकुलेट करना है। जैसे कि अगर हम लोग क्वेश्चंस करें, एक दो क्वेश्चंस करते हैं, लिख लियो फॉर्मूला दोनों तुम लोग? यस सर, यस सर, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, मान लो फाइव ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट is dissolved in 20 gram of a solvent, ठीक है? Calculate mass by mass percentage of the solution. चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। मास बाय मास परसेंटेज को देखोगे ऐसे भी बहुत जगह लिखा हुआ रहता है, एम बाय एम, ठीक है? या फिर और मास बाय वॉल्यूम को लिखा हुआ रहेगा एम बाय वी, या फिर मास को बहुत जगह देखोगे वेट के फॉर्म में भी लिखा रहता है, तो डब्ल्यू बाय डब्ल्यू भी लिखा रह सकता है। तो उससे कंफ्यूज मत होना, मास और वेट बराबर होता है केमिस्ट्री में, ठीक है? तो इसमें अलग अलग नहीं लेते हैं हम लोग। तो मास बाय मास परसेंटेज को देखोगे एम बाय एम लिखा हुआ है, मास बाय वॉल्यूम को एम बाय वी। चलो पहला क्वेश्चन करो। तो ये क्या करेक्ट है बताओ, 20 या 25, कौन सा परसेंट करेक्ट है? 25 परसेंट करेक्ट है। अच्छा, फॉर्मूला तुमको मास बाय मास परसेंटेज पूछा गया, फॉर्मूला देखो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है? तुम लोग एक बार अच्छे से फॉर्मूला देखे हो, कौन कौन 25% बोल रहा है? ट्वेंटी परसेंट। यहाँ पे देखो तुमको पता है मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट तुमको दिया हुआ है डायरेक्टली, ये है 5 ग्राम हमारे पास, लेकिन नीचे फॉर्मूला में क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा ये बताओ तो तुम लोग। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्लस अमाउंट ऑफ, तो मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का मास ऐड होगा तभी तो सॉल्यूशन का मास आएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूट का मास हमको 5 ग्राम दिया है, सॉल्वेंट का मास 20 ग्राम है, तो मास ऑफ, यहाँ चलो ऐसे करके लिख लेना, मास ऑफ सॉल्वेंट हमको कितना दिया गया है, ये 20 ग्राम दिया हुआ है, तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू 20 प्लस 5 ग्राम, तो 25 ग्राम। अब देखो तो मास बाय मास परसेंटेज कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट जो कि 20%, हाँ मास मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर है जो कि 5 ग्राम है हमारा, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन है 25 ग्राम, और इनटू क्या कर दोगे 100%, ये 5 टाइम्स में कटेगा और ये 100 बाय 5 ये 20% हो गया। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 20%। गलती मत करना इसमें, पहले चेक कर लेना वो क्या दिया हुआ है, सॉल्वेंट का मास दिया है या सॉल्यूशन का मास दिया है, ठीक है? क्योंकि फॉर्मूला में जो हम लोग यूज करते हैं वो नीचे
सॉल्यूशन का मास यूज करते हैं. ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर टू. यहाँ पे बोला गया है 2 ml of water is added to 4 g of a powdered substance. ठीक है, the final volume is 3 ml. Find the mass by volume percentage of the solution. चलो करो. तो सर 133%. 133% सही है. और किसी का आया है? सिंपल सा है, इसमें क्या है करना, इतना टाइम लगा रहे हो तुम लोग, ये बताओ. 133 नहीं आया. यहाँ पे सॉल्यूट हमारा क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया, ये बताओ. मास ऑफ सॉल्यूट क्या लिए हो तुम लोग, कितना लिए हो मास ऑफ सॉल्यूट? 4 g. 4 g. अब फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लिए हो, जब सॉल्यूट में वाटर ऐड कर दिया गया तो जो फाइनल वॉल्यूम हमारा सॉल्यूशन का वो कितना बना? 3 ml. 3 ml. तो यहाँ पे करना क्या है हमको, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज डायरेक्ट निकालना है हमको. मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो ऊपर क्या आएगा हमारा, मास ऑफ सॉल्यूट आएगा, और नीचे क्या लिखना है हमको, नीचे फॉर्मूले में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूशन, और इन 200%. तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारा 4 g है, वॉल्यूम हमारा 3 ml है, और ये क्या हो गया 100. सॉल्व करो इसको, 4/3 × 100, ये कितना हो गया, 133% नहीं हो रहा है? 133% m/v आया या नहीं? अच्छा, ये 2 ml ऑफ वाटर, 2 ml ऑफ वाटर, क्या 2 ml ऑफ वाटर उसमें ऐड किए, तो वो तो मास ऑफ, वो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है ना, हमको उससे क्या मतलब है, फाइनल वॉल्यूम तो हमको पता ही है, सॉल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम का जरूरत है ना हमको. यस सर. सॉल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम तो ये दिया हुआ ही है क्वेश्चन में, 3 ml है, तो हमको वो 2 ml का कोई काम नहीं है. फॉर्मूले में हमारा क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बस दो दोनों चीज हमको डायरेक्टली पता ही है, बस यूज कर लेंगे उसको, सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, कोई दिक्कत? यस और नो?
No, sir. No, sir. No, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन नंबर थ्री. ए सॉल्यूशन ऑफ एन ए थ्री पी ओ फोर. ये कौन सा कंपाउंड है कोई बता सकता है? एन ए थ्री पी ओ फोर. इस कंपाउंड का नेम बताओ. तुम लोग बहुत पढ़ चुके हो ये सब चीज. इतना टाइम लगा सर. ट्राई सोडियम फॉस्फेट. हाँ सोडियम फॉस्फेट है ना. PO4 3 माइनस फॉस्फेट होता है और Na प्लस सोडियम. सोडियम फॉस्फेट. तो हम लोग सॉल्यूशन ऑफ Na3 PO4 इज यूज्ड टू क्लीन वॉल्स बिफोर putting up wallpapers. ठीक है. The recommended concentration is 1.7% mass by volume. ये recommended percentage है. मतलब रिकमेंडेड कंसेंट्रेशन है 1.7% मास बाय वॉल्यूम. यहाँ पे फाइंड करना है. फाइंड द मास ऑफ Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट नीडेड टू मेक 2 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. चलो बना दो. हो गया? नो सर. डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस भी नहीं बनते हैं तुम लोगों से. सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो. सारा डेटा तो दिया हुआ है. बस एक डेटा मिसिंग है जो फाइंड आउट करना है तुमको. तो आंसर 3.4 है. 3.4 नहीं है आंसर, 34 है. यस सर, 34. आ गया आंसर. देखो यहाँ पे एक्चुअली हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में. हमको डायरेक्ट परसेंटेज हमको दिया है कि रिकमेंडेड परसेंटेज हमारा इतना है.
मतलब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमको दिया गया है क्वेश्चन में, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ये हमको पता है कितना होना चाहिए, 1.7% होना चाहिए। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी मेरे को पता है कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये बताओ। 2 लीटर। तो 2 लीटर को सबसे पहले तुमको ml में बदलना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो कंसेंट्रेशन निकाल रहे हैं ये ग्राम पर ml, मतलब मास हमारा ग्राम में रहता है और वॉल्यूम ml में रहता है। तो लीटर को ml में कन्वर्ट कर सकते हो तुम लोग। 2 लीटर कितना ml हो गया? 2000 ml। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। फॉर्मूला यूज करो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता था? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसका फॉर्मूला क्या होता था? दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन एंड 200%। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इन 200। अब देखो इसमें मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमको दिया गया है 1.7%। ये भी इधर, अब इधर हमको क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट हमको फाइंड आउट करना है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको दिया हुआ है 2000 ml और इनटू 100। अब इसको परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड, मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, 1.7 इंटू 2000 और बाय 100। इतना ग्राम आ जाएगा ना हमारा, यस और नो? तो ये क्या आ गया, 34 ग्राम नहीं आया आंसर। सॉल्यूट हमारा क्या है, Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट ही तो है ना? तो मास, रिक्वायर्ड मास कितना हो गया, 34 ग्राम। हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ Na3PO4 रिक्वायर्ड, ये क्या हो गया हमारा 34 ग्राम। ये हो गया हमारा आंसर। क्या इसमें कुछ अलग फॉर्मूला यूज किए क्या हम, ये बताओ। तो फिर क्यों नहीं बना? नहीं, बन गया था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, मास ऑफ सॉल्यूट जो है हम लोग ग्राम में लेते हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है तुमको ml में लेना है। तो अगर लीटर में दिया रहेगा तो उसको कन्वर्ट कर लेना ml में, ठीक है? अगर अगर लीटर में ही पुट कर दोगे तो जो मास तुम्हारा आएगा फिर वो kg में आएगा, फिर उसको तुमको ग्राम में बदलना होगा, समझ रहे हो? अगर तुम यूनिट इस फॉर्मूले में वॉल्यूम का यूनिट अगर लीटर ले लोगे तो जो तुम्हारा मास आएगा वो किस में आएगा, kg में आ जाएगा, ठीक है? और अगर मिलीलीटर में वॉल्यूम लोगे तो जो तुम्हारा मास आएगा वो किस में आएगा, ग्राम में आएगा, समझ रहे हो ना डिफरेंस? यस सर। ठीक है, तो वो देख लेना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम लोग लीटर में पुट करते तो आंसर नहीं आता हमारा, लीटर में ही अगर पुट करते तो जो मास आ रहा है हमारा सॉल्यूट का वो मास क्या आता, वो डायरेक्टली पहले kg में आता, फिर उसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम लोग मिलीलीटर में पुट किए तो जो मास आया हमारा वो डायरेक्टली ग्राम में ही आ गया, ठीक है? इतना बात ध्यान रहेगा तुम लोगों को। अब क्वेश्चंस बन जाएंगे इससे रिलेटेड, अब क्वेश्चंस अगर पूछा जाएगा तो ऐसे ही टाइप का न्यूमेरिकल रहेगा इसमें, और कुछ नहीं है इसमें। यस बन जाएगा ना अब। यस सर। चलो, तो यहाँ पे हो गया हम लोग का सॉल्यूशन खत्म। तो पहला हम लोग सॉल्यूशन को डिस्कस कर लिए, नेक्स्ट इसमें हमको पढ़ना है सस्पेंशन के बारे में, ठीक है? नेक्स्ट हेडिंग डालो सस्पेंशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। दूसरा जो मिक्सचर है वो है सस्पेंशन। पहला मिक्सचर था सॉल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर था, उसके बारे में हम लोग डिटेल में किए। दूसरा मिक्सचर है सस्पेंशन, अब इसके प्रॉपर्टीज को डिटेल में करना है।
सस्पेंशन को पहले हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो लिख लो सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये ध्यान रखना। सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर था, सस्पेंशन जो है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। इसको बोला जाता है सस्पेंशन, जहां पे के सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है ना वो डिसॉल्व नहीं होते हैं सॉल्यूशन में, बट उसमें देखोगे सॉल्यूट के पार्टिकल सस्पेंडेड रहेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में तुम देखोगे वो सॉल्यूट के पार्टिकल सस्पेंडेड फॉर्म में, वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, घुल नहीं रहा है, तो उस टाइप के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन। और ये सस्पेंशन जो है ना हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल्स का यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता, ऐसा नहीं है कि पूरा सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है वो यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड नहीं होते हैं, कहीं पे देखोगे सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा सस्पेंडेड है, कहीं पे कम है, इसलिए इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका बता सकते हो तुम लोग, चॉक इन वाटर, जैसे चॉक के पाउडर को अगर तुम डिसॉल्व करोगे पानी में, देखे हो वो घुलता है क्या, ट्राई करके देखना। चॉक पाउडर्ड फॉर्म में चॉक ले लेना, ठीक है, उसको डिसॉल्व करना पानी में डालना, तो देखोगे चॉक के पार्टिकल्स जो है वो पानी में सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं, या उस टाइप के मिक्सचर को बोलते हैं सस्पेंशन, ठीक है, वो घुलेगा नहीं, वो सस्पेंडेड रहेगा, और वो यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड नहीं होता है, कहीं पे देखोगे चॉक के पार्टिकल्स ज्यादा सस्पेंडेड है, कहीं पे कम, तो इसलिए इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है। या फिर इसका एक और एग्जांपल है स्मोक इन एयर, एयर में जब स्मोक फैलता है तो वो भी एक तरह से हेट्रोजीनियस मिक्सचर का ही एग्जाम्पल है, उसमें भी स्मोक में भी पार्टिकल्स होते हैं ना बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे वो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, दो पार्टिकल्स का सस्पेंशन होता है एयर में, वो सस्पेंडेड रहते हैं। अब एयर में सस्पेंडेड रहते हैं तो वो यूनिफॉर्मली पूरा स्प्रेड आउट नहीं होता है, वो पार्टिकल्स जो है स्मोक के पार्टिकल्स वो पूरा यूनिफॉर्मली एयर में स्प्रेड आउट नहीं होगा, कहीं पे देखोगे ज्यादा है, कहीं पे कम रहता है, तो इसलिए इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है, ठीक है। सर सैंड इन वाटर होगा, क्या बोल रहे हो, सैंड इन वाटर कैसे, सैंड सस्पेंडेड थोड़ी रहता है, वो तो नीचे जाके सेटल हो जाएगा ना, सस्पेंडेड रहता है क्या सैंड के पार्टिकल्स, ये बताओ, जैसे हम लोग मडी वाटर को बोल सकते हैं सस्पेंशन है, क्योंकि देखोगे इनिशियली वो मड क्या रहेगा हमारा, मड को अगर पानी में डिसॉल्व करोगे मडी वाटर लोगे तो उसमें देखोगे मड के पार्टिकल्स क्या सस्पेंडेड है, फिर कुछ टाइम के बाद वो धीरे धीरे क्या होगा, वो नीचे जाके सेटल होते जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन, ठीक है, यस और नो, लिखो फटाफट डेफिनेशन लिख लो तुम लोग, लिख लिए, लिख लिए सर। लिख लिए, यस सर, ओके।
चलो ठीक है, देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन जैसे हम लोग पढ़े थे उसी तरह सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज आएंगे, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी आ गया, इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये ऑलरेडी हमको पता है, इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन, सैंड इन वाटर को एक्चुअली एज्यूम कर सकते हो सस्पेंशन के तरह कुछ हद तक, मतलब सैंड को जैसे ही हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो कुछ देर तक तो वो सस्पेंडेड रहता है ना सैंड, यस और नो? कुछ देर तक तो वो पानी में सस्पेंडेड रहेगा या नहीं रहेगा, वो डायरेक्टली नीचे थोड़ी चला जाता है, उसको बहुत टाइम तक छोड़ दोगे तब ना वो नीचे जाकर सेटल होता है। जैसे मड के साथ भी तो वही केस है ना, मडी वाटर जब लोगे तो कुछ देर तक, जब इनिशियली लिए हो तुम एक दो घंटे के लिए अगर लिए हो इनिशियली, तो उसमें देखोगे मड के पार्टिकल सस्पेंडेड है पानी में, लेकिन बहुत मान लो एक दिन के लिए उसको रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दिए, तो क्या देखोगे? सुबह उठ के देखोगे वो जितने भी मड के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गया, नीचे जाके सेटल हो गया और ऊपर सिर्फ फ्रेश वाटर बच गया है, क्लियर वाटर, ट्रांसपेरेंट वाटर ऊपर बचा रहता है और मड के पार्टिकल सारा नीचे चला जाते हैं, देखे हो ऐसा? यस सर, देखिए। तो वो एक तरह से सस्पेंशन उसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो सस्पेंशन में हम लोग ये बोलते हैं, जैसे सॉल्यूशन में क्या था, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो आंख से विजिबल नहीं होते हैं, नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन को हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं। जैसे सैंड है, तो सैंड अगर पानी में सस्पेंडेड रहेगा तो सैंड के पार्टिकल्स को हम लोग देख सकते हैं या नहीं, ये बताओ? देख सकते हैं। मड है, मड के पार्टिकल्स को हम लोग देख सकते हैं या नहीं, मड अगर सस्पेंडेड होगा तो देख सकते हैं। यस सर, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आई, सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, अपने नेकेड आई से। नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया, साइज ऑफ द पार्टिकल्स is greater than 100 nanometer, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स थे उनका साइज क्या था ये बताओ तो तुम लोग? लेस देन 1 नैनोमीटर था, याद है? उनका जो डायमीटर था सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का वो लेस देन 1 नैनोमीटर था, यस और नो? यस। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल साइज, सस्पेंशन के पार्टिकल्स का जो साइज होगा वो ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होगा। 1 नैनोमीटर में तुम लोग को बताए थे कितना मीटर? 10 to the power minus 9 meter, वो याद रखना। nm लिखा हुआ है मतलब ये नैनोमीटर है, ठीक है। साइज ऑफ द पार्टिकल्स यहाँ पे ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ए अनस्टेबल मिक्सचर। अनस्टेबल मिक्सचर इसको किस लिए बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि पार्टिकल्स जो होंगे ना सस्पेंशन के पार्टिकल्स, इनिशियली तो सस्पेंडेड रहेंगे लेकिन बहुत टाइम तक अगर तुम लोग छोड़ दोगे पीरियड ऑफ टाइम तक, तो देखोगे सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या हो गए, वो नीचे जाके सेटल हो गए बॉटम में, वो हमेशा के लिए सस्पेंडेड नहीं रहेगा ना, रहेगा क्या? No, sir. नहीं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल मिक्सचर, क्योंकि सॉल्यूट जो होता है सेटल्स डाउन एट द बॉटम ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो इसलिए ये अनस्टेबल मिक्सचर होता है, जबकि सॉल्यूशन में ऐसा नहीं था, सॉल्यूशन जो है स्टेबल था। अब यहां पे देखो नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द सॉल्यूशन इज पास्ड थ्रू फिल्टर पेपर, थ्रू फिल्टर पेपर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट गेट सेपरेटेड, यस और नो? इसमें सिंपली हम लोग फिल्ट्रेशन करके सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट कर सकते हैं या नहीं, अगर सस्पेंशन वाला केस है तो? यस सर। फिल्टर पेपर देखो, जैसे सैंड इन वाटर वाला केस है,
फिल्टर पेपर यूज करोगे तो सिर्फ पानी तो उससे आसानी से पास हो जाएगा, लेकिन सैंड के पार्टिकल्स उस फिल्टर पेपर से पास हो पाएंगे क्या? नहीं। तो सैंड के पार्टिकल्स वो फिल्टर पेपर में ही बचा हुआ रह जाएगा, पानी उससे निकल गया तो सेपरेट हो गया ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारा सेपरेट हो गया। सिंपली फिल्ट्रेशन करके हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन सॉल्यूशन में ऐसा केस था क्या? फिल्ट्रेशन करके हम लोग सॉल्यूट या सॉल्वेंट को सेपरेट सॉल्यूशन में नहीं कर सकते थे, याद है? Yes, वो लिखाए भी थे तुम लोग को। बट इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को सेपरेट किया जा सकता है। तो ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद हम लोग लास्ट पॉइंट लिखते हैं, इट स्कैटर्स लाइट। ठीक है, अब ये देखो इसके पार्टिकल साइज इतना बड़ा होता है कि ये क्या करता है, अगर लाइट तुम पास करोगे ना तो लाइट के पार्टिकल्स को ये स्कैटर कर देगा, और लाइट के पार्टिकल्स को स्कैटर अगर करेगा तो ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा। समझ रहे हो? सॉल्यूशन जो है टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहा था, लेकिन ये जो है सस्पेंशन जो है ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा। तो इट स्कैटर्स लाइट व्हेन लाइट इज पास्ड थ्रू इट, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं इट शोस कौन सा इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो ये है, तो इसको फटाफट लिख लो। अब ये कंपेयर करने पूछा जाता है कि सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज और हमको सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज को कंपेयर करो, ठीक है। तो ये सब पॉइंट तुमको आना चाहिए, कैसे एटलीस्ट 4-5 पॉइंट तो याद रखना है तुम लोगों को। सारे पॉइंट्स लिख लिए? यस सर। चलो अब ये टिंडल इफेक्ट देखो, टिंडल इफेक्ट का डेफिनेशन अगर पूछा जाएगा ना तो ऐसे लिख लेना, यहाँ पे हम लिख देते हैं टिंडल इफेक्ट, क्योंकि बार बार आ रहा है ये टिंडल इफेक्ट, तो पूछा जा सकता है टिंडल इफेक्ट को डिफाइन कैसे करेंगे। पता तो चल ही चुका है तुम लोगों को, डेफिनेशन लिख देते हैं। द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन ए कॉलॉइड और इन ए वेरी फाइन सस्पेंशन, ठीक है। कॉलॉइड्स के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉलॉइड आगे, इसके बाद सस्पेंशन के बाद कॉलॉइड ही पढ़ेंगे। तो द फिनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन कॉलॉइड और ए वेरी फाइन सस्पेंशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, इसी को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो ये टिंडल इफेक्ट होने की वजह से क्या होता है, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना कि द हम लोग ऐसे लिख सकते हैं द इंडिविजुअल सस्पेंशन पार्टिकल्स स्कैटर एंड रिफ्लेक्ट लाइट, स्कैटरिंग करके उस लाइट का रिफ्लेक्शन कर देता है, रिफ्लेक्ट लाइट मेकिंग द पाथ ऑफ द बीम, ठीक है। मतलब जिस पाथ से वो बीम ऑफ लाइट पास हो रहा है, बीम ऑफ लाइट, वो पाथ विजिबल हो जाता है, ठीक है। वो पाथ पूरा साफ साफ हमको दिख रहा है कौन से पाथ से लाइट पास हो रहा है, इसी इफेक्ट को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। और यहाँ पे ध्यान रखना एक और पॉइंट है, द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग, मतलब कितना लाइट स्कैटर होगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द
फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है, उस लाइट का फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एंड डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कितना स्कैटर होगा लाइट, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग कितना होगा, वो डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे, डिपेंड करता है कि लाइट का हम लोग कितना फ्रीक्वेंसी वाला लाइट यूज किए हैं, और डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स कितना है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग, ये टिंडल इफेक्ट का डेफिनेशन है पूरा। ठीक है, लिख चुके हो? यस यस, लिखो जल्दी से। हो गया ना? यस सर। ठीक है, चलो, तो हम लोग सस्पेंशन के बारे में भी पढ़ चुके हैं और सॉल्यूशन के बारे में भी डिटेल में कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कोलोइड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो कोलोइड्स हम लोग अगले क्लास में ही करते हैं, क्योंकि अब ज्यादा एक कोलोइड्स के बारे में डिटेल में करना है, उसके बाद फिर हम लोग सेपरेशन मतलब मिक्सचर के पार्टिकल्स को कैसे सेपरेट करेंगे हम लोग, वो सारा टेक्निक्स पढ़ना है। अब ज्यादा क्लास नहीं लगेगा, मोस्टली मेरे को लग रहा है दो क्लास मैक्सिमम, और दो क्लास में या अब मैक्स टू मैक्स तीन क्लास और लगेगा, तो ये चैप्टर तुम लोग का हो जाएगा खत्म। इसमें इसके बाद और कोई चैप्टर बचा हुआ है क्या तुम लोग का? ये लास्ट चैप्टर है तुम? यस सर। उसके बाद फिर क्या करोगे तुम लोग, ये बताओ? सर आप ही बताइए। हम ही बताएं? तुम लोग का स्कूल में कितना चैप्टर खत्म हो गया? स्कूल में ये सब चैप्टर कंप्लीट हो गया? सर ये सेकंड चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ। अच्छा, अभी स्टार्ट ही हुआ है। ओके, तो स्कूल में समर वेकेशन एंड नहीं हुआ है तुम लोग का? हो गया? हाँ सर, हो गया। यस। अच्छा, तो इस साल स्कूल खुलेगा कि नहीं तुम लोग का? इस साल भी ऐसे ही चलेगा? सर यही क्या लगता है कि नहीं खुलेगा? नहीं खुलेगा? हाँ सर यही लगता है, खुलेगा अभी तक। आप यार्ली तो घर पे देना है, इतना समझ। स्कूल वाले कुछ बोल रहे हैं कब से खुलेगा या नहीं खुलेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं सर। तो अभी दो तीन महीने ऑनलाइन ही चलेगा। एग्जाम्स हो रहा है तुम लोग का? हाँ सर हो रहा है, डेली हो रहा है अभी फिलहाल। यस सर, पीरियोडिक टेस्ट एवरी ट्यूसडे। अच्छा, एवरी ट्यूसडे हो रहा है टेस्ट। और सर हम लोग का डेली डेली टेस्ट होता है? पढ़ाई नहीं होता, टेस्ट ही हो रहा है? सर पढ़ाई भी हो रहा है, टेस्ट भी हो रहा है, दोनों एक साथ। अच्छा, चलो ठीक है, तो इतना तुम लोग लिख लो। एक बार एनसीईआरटी है ना सबके पास, एनसीईआरटी से एक बार जितना हम पढ़ाए हैं उतना तुम लोग रीड कर लेना, इतना रीड करके रखना सस्पेंशन तक, तुम लोग एक बार लाइन बाय लाइन रीड कर लेना एनसीईआरटी से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोलॉइड्स के बारे में आगे स्टार्ट करेंगे, कोलॉइड्स। चलो, और कोई डाउट है इसमें? आज जितना बताए देख लो एक बार, कुछ पूछना है आज के क्लास में? यस सर, नो?
No, sir. Okay, fine. चलो फिर तो आगे हम लोग अगले क्लास में करते हैं, ठीक है? Yes, sir. चलो, थैंक यू. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Hmm.